वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लासेस में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझा कि वो किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कि इकोनॉमिक अंदर जब चाहे मनी सप्लाई वो बढ़ा सकता है, रिसेशन के केस में जनरली ऐसा करते हैं, और जब चाहे इकोनॉमी के अंदर से मनी सप्लाई को कम कर सकता है, इन्फ्लेशन के केसेस में हम ऐसा करते हैं। और वो ये किस तरीके से करते हैं, इसमें हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी समझ लिया था, हमने बैंक रेट को भी समझ लिया था, रेपो रेट को भी समझा था, रिवर्स रेपो रेट को भी हमने उसमें समझ लिया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी हमने समझ लिया है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने सभी पॉइंट को समझ लिया। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे मनी क्रिएशन की। बात ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, मनी क्रिएशन में आपको पहले ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा होता है उससे कहीं ज्यादा वो पैसा बेसिकली ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा होता है, उस पे जाने की हमें अभी नीड नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है, जो टॉपिक है आपका हाई पावर मनी, हाई पावर्ड यहां से एक सवाल आपके पेपर में आ जाता है कि हाई पावर्ड मनी क्या है। तो आइए बिल्कुल आराम से स्लो स्लो से चीज समझेंगे, बाद में मैं एग्जाम्पल चीज वो क्लियर करूंगा, बाद में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी और उन सही बातों पर फिर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी सुनते रहिए, जितना बता रहा हूं उतना समझना है बस, उससे ज्यादा सोचना नहीं है फिलहाल। अभी लास्ट में फिर सब कुछ सोचना है आपको। हाई पावर मनी बेसिकली क्या होता है, देखिएगा, बात अगर मैं करता हूं मनी की, अगर बात मनी की करें कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, कितना पैसा अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी के पास में, पब्लिक के पास में या फिर बैंकों के पास में, कुल मिलाकर कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर है, उसको हम मनी कहते हैं। ये कहाँ से आता है पैसा? मनी को दो लोग इशू करते हैं। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, ये तो आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी को इशू करता है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं, समझ में आपको यहां तक आ जाएगा, बट पीछे क्लासेस को जरूर देखना आप। हाँ जी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी को क्या करता है, मनी को इशू करेगा, लेकिन सिर्फ आरबीआई की ही अथॉरिटी नहीं होती है मनी को इशू करने की। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी तक कहा था आरबीआई ही मनी इशू करता है, नहीं, गवर्नमेंट भी मनी इशू करती है। कौन? गवर्नमेंट भी। आरबीआई तो क्या हो गया, एक बैंक हो गया, इसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी मनी इशू करती है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बेसिकली नोट को इशू करती है। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई जो नोट्स होते हैं उनको इश्यू करती है, और जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली किसको इश्यू करती है, कॉइन्स को। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो कॉइन्स को, लाइक 1 रुपए और 2 रुपए तक के जो होते हैं उसको जो है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर नहीं होता है, तो ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के उस पर साइन होते हैं। किस पे? कॉइन्स पे, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के उस पे बेसिकली जो है वो रहता है। तो आपके पास पे क्या है, रिजर्व, वैसे कॉइन पे तो साइन होता नहीं है, बट किसके थ्रू ये इश्यू होता है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है और नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। मान लीजिए कि जो जो आरबीआई ने इशू करा है पैसा, दोनों ने मिलकर के 1,000 रुपए दोनों यूज करते हैं। मैं फिर से इसको एक बार लिख देता हूं कि करेंसी कौन इशू करता है, बात करते हैं मनी की, तो मनी इशू करने वाले कौन कौन से लोग हैं, एक आरबीआई और एक हमारे पास में आरबीआई के साथ में है गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई क्या यूज इशू करती है, नोट्स, और गवर्नमेंट क्या इशू करती है, कॉइन्स। मान लो दोनों ने मिलकर के कितने रुपए इशू करें, दोनों ने मिलकर के 1,000 रुपए करेंसी के अंदर पैसा डाला, तो कंट्री के अंदर 1,000 रुपए पैसा डाला हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब ये 1,000 रुपए दो जगह जाते हैं, एक तो पब्लिक के हाथ में कैश के तौर पर पैसा चला जाता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, क्लियर है ना। एक पैसा किसके पास जाएगा, ये पैसा 1,000 में से मान लीजिए एक पैसा पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है। पब्लिक के पास मान लो 600 रुपए गया, क्लियर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, करेंसी, ठीक है। पब्लिक के पास में जो पैसा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे करेंसी।
मान लो कितना गया पब्लिक के पास में पैसा, 600, ठीक है, और बाकी जो पैसा है वो बैंक में आ गया, वो बैंक में ही रहा, बैंक में रख दिया, ठीक है, वो 400 रुपये, ठीक है, इसको हम करेंसी बोलेंगे। इस 400 रुपये को हम क्या बोलेंगे, 400 रुपये को हम बोलेंगे रिजर्व। 400 रुपये को क्या बोलेंगे हम, रिजर्व। समझिएगा पहले मनी क्या होता है, एक इकोनॉमी में जितना पैसा पड़ा है वो मनी है। ये मनी कहाँ से आता है, दो जगह से आता है, सेंट्रल बैंक से नोट और आपका जो आरबीआई से नोट, और आपके पास में गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉइन आता है। ये मान लो 1000 रुपये आया, तो 1000 रुपये सारा सारा पब्लिक के हाथ में नहीं होता है, पब्लिक के हाथ में से मान लिया मैंने 600 रुपये आया, उसी को करेंसी कहते हैं जो पब्लिक के हाथ में रहता है। और बाकी जो पैसा आपके पास में बैंक में गया उसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं रिजर्व बोलूंगा, ठीक है। अब ये रिजर्व भी बेसिकली कितने टाइप की होती है, दो तरीके की रिजर्व भी होती है। रिजर्व में एक रिजर्व वो होता है जो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है, जिसको आरआर बोलते हैं। आरआर मींस क्या हुआ, एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व और एक हमारा जो है एक्सेस रिजर्व। मतलब एक तो बैंक को एनी टाइम अपने पास में पैसा रखना पड़ता है ना, कोई विड्रॉ करे या फिर अपने मेंटेनेंस के लिए, रिक्वायर्ड रिजर्व है। बट कुछ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए जो पैसा अपने पास में रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सेस रिजर्व कहते हैं। तो इस 400 रुपये में से 300 रुपये मान लीजिए रिक्वायर्ड रिजर्व में चला गया, 100 रुपये एक्सेस रिजर्व में चला गया। ये बात सुनने में आपको आई नहीं, क्लियर है? तो कुछ इस तरीके के आप यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो ये आप देखिएगा कि ये वो पैसा है, करेंसी पब्लिक के पास में इतना है 600, रिजर्व पे 400 रुपये चला गया, रिजर्व को इस पार्ट में डिवाइड करा है हमने, क्लियर है? तो इसी पैसे को हम क्या बोलेंगे, जो पैसा गवर्नमेंट ने मशीन में बना करके या आरबीआई ने अपने मशीन से बना करके जो मार्केट में अवेलेबल करवाया है, जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, पावर्ड मनी। तो एक क्वेश्चन आता है कि पावर्ड मनी क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर्ड, हाई पावर मनी। हाई पावर्ड मनी इसी पैसे को हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, एच से। ये रिक्वायर्ड रिजर्व तो आपका क्या रहता है, आर आर, और ये आपके पास में रहता है किस नाम से, ई आर, एक्सेस रिजर्व। बात समझ गए? तो हाई पावर रिजर्व क्या होता है हमारे पास में, बेसिकली करेंसी प्लस रिजर्व, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं हाई पावर मनी इक्वल्स टू आपके पास में करेंसी और रिजर्व क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व। ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला हो गया हाई पावर मनी का। पहले आप इसको समझ गए, नहीं क्लास का टाइम अब 6 बजे रखी वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ सिलेबस वाइंड अप हो गया है। अब आपको रिवीजन करना है, 10 ईयर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसकी प्रैक्टिस मैंने एक्स्ट्रा करवा दी है आपको। आज मैंने अपने कंटेंट में जाके देखेगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट 30-35 क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने जो है पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया है आपके पेड वाले में। तो सारा काम खत्म हो गया है, मैक्रो का सब कुछ हो गया है। अब आपके डाउट्स तो खैर क्या आएंगे, आपको वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा सेशन आपका थ्योरी सेशन है, क्लियर है जी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास पे क्या हो गया, ये मेरे पास में हाई पावर जो है मनी, इसको कहते हैं। तो हाई पावर मनी बेसिकली क्या है, कुल मिलाकर के एक आसान सी भाषा में बात करेंगे, जो पता छपके निकला है वो हाई पावर्ड मनी है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि जितना पता छपके निकलता है उतना ही पैसा यूज होता है इकोनॉमी में। मान लो कि ट्रांजेक्शन, अगर आपने मुझे एक फीस पे करी 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज मेरे जेब में आया, पर इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन है 1000 रुपीज का नहीं होगा, इस 1000 रुपए का मैं जाकर टी शर्ट खरीद लूंगा, तो 800 का टी शर्ट खरीद लिया मैंने, मैंने कुछ पैसे बैंक में रख दिया। अब वो टी शर्ट खरीदूंगा, मार्केट वाले जाके कुछ फूड खरीद लेगा, तो ट्रांजेक्शन 1000 रुपए का सिर्फ 1000 रुपए का ही नहीं हुआ, कहीं गुना हुआ। तो ट्रांजेक्शन जितना ज्यादा होता है ना उसको मनी सप्लाई कहते हैं। तो हाई पावर्ड मनी मतलब कितना पैसा छपके निकला है, जो आपने मुझे फीस दिया 1000 रुपए, पर
मैंने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, इस तरीके से मान लो 5,000 रुपए का काम हो गया। काम जो काम धंधा जो है, जो गुड सर्विसेज, वो 5,000 रुपए की इससे मैनेज हुई है, मेरी जरूरत पूरी हुई। धीरे धीरे ऐसे ही तो रहेगा ना, 1,000 रुपए मेरे को फीस आई तो मैंने को 200 खर्च करा, 800 200 रुपए सेविंग कर ली, बैंक में डाल दिया, 800 रुपए खर्च कर दिया। इस 800 वाले ने भी क्या करा, कुछ पैसे बचाए, बाकी खर्च कर दिए। तो पैसा बचते बचते खत्म होते 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 1,000 रुपए जब तक खत्म होगा, तब तक वो 1,000 रुपए से कई गुना ज्यादा का काम हो चुका होगा। तो मनी में अगर 5,000, इकोनॉमी में 5,000 रुपए का काम हो गया है, मतलब ट्रांजेक्शन 5,000 रुपीज का हो गया, तो वो 5,000 रुपए मनी सप्लाई है। लेकिन इकोनॉमी में 5,000 रुपए है नहीं, वो 1,000 रुपए ही घूम रहा है। और जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल में है, उसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। बात समझे, क्लियर है, कोई डाउट किसी के बच्चे को? तो यहां पर आप देख, पहले आप ये समझ गए, पहले आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको, मनी मल्टीप्लायर को, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। तो ये क्या रहेगा हमारा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब कि कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, और डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इसको हाई पावर्ड मनी को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं हाई पावर्ड मनी को, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सवाल है कि सर ये मनी सप्लाई क्या है, मैंने बता दिया जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर फ्लो, मतलब जितना ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। नहीं तो फिर ही बता देता हूं, करेंसी जो लोगों के पास में पैसा है, प्लस में जितना पैसा डिपॉजिट है, क्योंकि तो क्रेडिट क्रिएशन से पता लगता है कि कितना पैसा कहां पर कैसे कैसे रोटेट हो रहा है, आपने पढ़ा है इसको। तो करेंसी प्लस में डिपॉजिट हमारे पास में क्या है, ये मनी सप्लाई है। ठीक है जी, अब आपको ये तो समझ में आ गया। और हाई पावर्ड आपके पास में एच भी मालूम पड़ गया कि एच क्या होता है, एच में बताया ना क्या क्या होता है आपका, सी प्लस आर आर प्लस ई आर, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मनी सप्लाई को आप हाई पावर्ड मनी से डिवाइड कर देंगे, कि एक्चुअल में कितना पैसा सरकार ने निकाला बैंकों ने, और कितना ट्रांजेक्शन इकोनॉमी में हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन डिवाइडेड में कितना पैसा निकला है, जितने टाइम्स वो ट्रांजेक्शन चला गया है, पैसा जो निकला है इकोनॉमी से, उस टाइम्स को हम बोलते हैं मनी, या फिर मनी मल्टीप्लायर, कि मनी का कितना गुना ट्रांजेक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। एग्जाम्पल से भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे, पहले बेसिक टर्म को आप समझ लीजिएगा। एक क्या होता है, एक होता है बच्चे पास पे, आपके पास में एक होता है सीडी। ठीक है ना, सीडी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि करेंसी अपॉन डिपॉजिट। ठीक है, करेंसी अपॉन डिपॉजिट मतलब सी अपॉन डी। क्या होता है बेसिकली, ये होता है करेंसी टू डिपॉजिट
रेशो, करेंसी तो डिपॉजिट रेशो है, रेशो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडी, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। अब आपको यहां से एक चीज पता लग गया कि आप अगर आप इस रेशो को, सीडी को, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को अगर आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी है ना, तो करेंसी आ जाएगा। क्लियर है? पहली चीज, एक क्या होता है आरा, बेसिकली क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रहता है, डिपॉजिट। बेसिकली क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यहां पर यह है कि आपके पास में रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। और यहां पर से एक चीज आपके निकल करके क्या आएगी, अगर आप आर आर को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में रिक्वायर्ड रिजर्व आ जाएगा। जैसी बात है, अगर आपने करेंसी को डी से मल्टीप्लाई करा डिपॉजिट से तो करेंसी आ गई, करेंसी के रेशियो को डी से मल्टीप्लाई करेगा तो करेंसी आएगा, रिक्वायर्ड रेशियो को, रिजर्व रेशियो को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिक्वायर्ड रिजर्व आएगा। जिससे मल्टीप्लाई, डी तो हमें सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉमन सी बात है। क्लियर है? अभी मैं फॉर्मूला को सिंप्लीफाई एक बार कंक्लूड भी कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भाई हाई पावर्ड मनी की वीडियो क्लासेस दोबारा से पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो एक दो तीन हमारे पास में, अब तीसरा मैं यहां पर ई डी, मतलब क्या हुआ इसका, इसके ई है तो मतलब क्या, आपके पास में एक्सेस रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वही चीज एक्स्ट्रा या एक्सेस, ठीक है, एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट। पहले इन बातों को समझ लीजिए, सबको समझ आएगा, मैं एग्जांपल लूंगा अभी, रेशो, ठीक है। अब आप इसी को समझिएगा कि अगर आप ई डी को मल्टीप्लाई कर देंगे ई आर से, सॉरी डी से, तो क्या आ जाएगा, ई आर। तो आप फॉर्मूले को अगर आप देख रहे हैं यहां पर अपने, तो सबसे पहले अगर आप रेशियो निकाल रहे हो किसका, करेंसी डिपॉजिट का, अगर आप रेशियो निकाल रहे हो करेंसी डिपॉजिट, सर सारे रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, डिपॉजिट के रेशियो में, करेंसी डिपॉजिट, रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट, एक्सेस डिपॉजिट, सब डिपॉजिट के रेशियो में। तो इसलिए आप सभी फॉर्मूले में देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट के रेशियो में आप निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है। पहली बात तो समझ जाइएगा, अगर आप करेंसी का रेशियो निकाल रहे हैं तो करेंसी को डिवाइड करना पड़ेगा डी से, रिक्वायर्ड का अगर आप निकाल रहे हैं रेशियो तो आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा रिक्वायर्ड को डी से, अगर आप यहां पर एक्सेस का रेशियो निकाल रहे हो तो एक्सेस को डिवाइड करना पड़ेगा डी से। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि आप अगर रेशियो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी केस में डिपॉजिट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप देखें तो डिपॉजिट से, डिपॉजिट से और डिपॉजिट से, हर केस में डिपॉजिट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिस चीज का डिपॉजिट से, हर केस में डिपॉजिट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, बट जिस चीज से मल्टीप्लाई कर, जिस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो डिपॉजिट से वही टोटल आ जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो को कर रहे हो तो रिक्वायर्ड रिजर्व आ रहा है, करेंसी को रेशियो कर रहे हो तो करेंसी आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप जो है एक्सेस रेशियो कर रहे हो तो आपके पास में एक्सेस रेशियो आ रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये फॉर्मुला बेसिक सा आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे हो सकता है आपके पास में, एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, फिर देखते हैं कैसे करेंगे आप। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसको, कि भैया मनी सप्लाई, क्वेश्चन ले लेते हैं, मनी सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस डी, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। तो मेरे पास में सी क्या है 200 और डी क्या है मेरे पास में 800, बात समझिए। क्लियर है? कहने का मतलब सी इक्वल्स टू 200 और डी इक्वल्स टू 800 गिवन है, ठीक है। और एक आपके पास में आर आर, मतलब रेशियो है, स्मॉल आर है ना, रेशियो है 0.20, ठीक है। और उसके पास आपके पास में ईडी भी है, ईडी 0.05, ठीक है जी, क्लियर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में मनी क्रिएशन पूछ रहा है। हाँ जी, तो मनी क्रिएशन अगर मुझसे पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मा लिखूंगा। मनी क्रिएशन क्या
क्या होता है मेरे पास में बताइए जरा, मनी सप्लाई, क्लियर है जी, और पावर, हाई पावर मनी है ना, हाई पावर मनी, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, मॉनिटरी बेस, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अब मेरा सा मनी सप्लाई तो है, मनी सप्लाई तो है बच्चे, मनी सप्लाई क्या है, 1000 रुपीज है मनी सप्लाई, इसका कोई इश्यू नहीं है। मुझे क्या निकालने की रिक्वायरमेंट है, एच, पर एच का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सी होता है प्लस आर आर होता है प्लस आपके पास पे ई आर होता है। तो चलिए मेरे पास पे करेंसी भी है, तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है मेरे पास में, क्या आर आर निकालना पड़ेगा, और आर आर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आर आर कैसे निकालोगे आप, तो क्या मेरे पास रेशियो है, बिल्कुल है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डिपॉजिट से, तो क्या है मेरे पास में 0.20, और डिपॉजिट मेरे पास में क्या है 800, बात समझे, क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा 160, बात समझे, क्योंकि आर आर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, और एक किसकी नीड है मुझे, ई आर की, तो ई आर के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, एक्सेस के लिए ईडी को मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा डिपॉजिट से, तो क्या है 0.05, और डिपॉजिट क्या है मेरे पास में 800, तो कितना हुआ 20, यही होगा 5%, 10%, 80, 20, तो ये मेरे पास में कुल मिलाकर के, अगर मैं अब यहां पर एच निकाल लेता हूं, कई बार ऐसे भी मनी क्रिएशन आ जाएगा तो पेपर में घबराना मत, अब मैं एच निकाल रहा हूं, तो सी मेरे पास में क्या है, करेंसी मेरे पास पे है 200, आर आर क्या है मेरे पास में 160, और मेरे पास में कितना है 20, तो एच इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 380, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने, थ्री एटी है ठीक है जी, एच एच कितना है मेरे पास पे 380, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं एक बार, कहां पे 80, हाँ 41 है पे, वही मैं कह रहा था पूरा राउंड फिगर मानता था 40, अब आपके पास में कितना आ गए 300 400, अब आपके पास में मनी क्रिएशन को बेसिकली क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मनी क्रिएशन को हम एम से, तो मनी क्रिएशन क्या होगा हमारा, मनी क्रिएशन हमारे पास में मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय एच, तो मनी सप्लाई क्या है मेरे पास में 1000, और एच क्या है मेरे पास में 400, तो मनी सप्लाई कितना हो गया मेरे पास में 5/2, तो 2.5, मतलब कि जितना पैसा सरकार ने और बैंक ने छाप के निकाला है उसका 2.5 गुना ट्रांजेक्शन इकोनॉमी में हो रहा है, तो कितना गुना ट्रांजेक्शन हो रहा है हाई पावर मनी का जो सरकार ने छापा है उसका कितना गुना ट्रांजेक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इसी को हम मनी जो है क्रिएशन कहते हैं, क्लियर है जी, बात समझे, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो ये मेरा क्या हो गया मनी क्रिएशन हो गया। और दूसरी बात समझिएगा, एक बात और यहां पे समझ लें क्या, कि मनी क्रिएशन के अंदर आपके पास में बेसिकली एम इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला दिया आपको बताइए, मनी सप्लाई ठीक है, और अपॉन में हाई पावर मनी, जिसको आप क्या कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, बेस मॉनिटरी बेस, मॉनिटरी बेस, क्लियर है, तो यहां पर मनी सप्लाई को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, मनी सप्लाई को C+D लिख सकते हैं, क्या आप हाई पावर मनी को ऐसे लिख सकते हैं C+RR प्लस ई आर, बात समझ गए, मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय डी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर C+RR बोथ डिवाइडेड बाय डी, लाइक दिस डी और डी, खैर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं आप, तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा C/D, ये क्या हो जाएगा D/D, एक क्योंकि दोनों डिवाइड होगा ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि C/D होगा
और डी अपॉन डी होगा, दोनों के अपॉन में आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है जो किसी एक के नीचे ले जाओ, प्लस माइनस में सबके नीचे होता है। अब सी अपॉन डी आर आर अपॉन डी और ई आर अपॉन डी। अब देखिए यहां पे क्या बनेगा आपका, सी अपॉन डी तो करेंसी अपॉन में डिपॉजिट क्या होता है, करेंसी जो है आपका डिपॉजिट रेशियो होता है, क्लियर है। और ये क्या हो गया वन, ये क्या हो गया करेंसी डिपॉजिट रेशियो हो गया, और ये क्या हो गया आर आर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में ईडी हो गया। बात समझे समझे, तो आपके पास में एक फॉर्मूला और ये क्रिएट हो गया। तो कई बार आपको करेंसी डिपॉजिट रेशियो दे देगा, आपको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो दे देगा, और आपके पास में एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस रिजर्व रेशियो दे देगा और बोलेगा मनी सप्लाई निकालो। तो यहां से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझे, क्लियर है जी? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका बेसिकली, ये आपके पास में मनी सप्लाई अपॉन आपके पास में पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी एच, ये है, क्लियर है जी? तो ये चीज को इसके इक्वल लिख सकते हो ना। तो आपके पास में कई बार ये रेशियोज दे देगा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिक्वायर्ड डिपॉजिट रेशियो और एक्स्ट्रा डिपॉजिट रेशियो, और आपको मनी सप्लाई देकर के हाई पावर्ड मनी पूछ लेगा इकोनॉमी में, हाई पावर्ड मनी कितनी है, या हाई पावर्ड मनी देकर के आपको मनी सप्लाई कितनी इकोनॉमी में वो पूछ लेगा। तो आप यहां पर रिप्लेस करके एक दो तीन चार पांच, पांच चीजें हैं, पांच में चार चीज देकर के एक पूछेगा, तब इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेना। क्लियर है जी? बात समझे, क्लियर है? तो आज की क्लास में आपका टॉपिक यहीं पर हो जाता है फिनिश। डन, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो बच्चे, बता दिया मैंने, कंटेंट में आप जाइए, कंटेंट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, अच्छे से टाइप करवा करके क्वेश्चन लगवा दिया है मैंने, और चैप्टर वाइज का, इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से ये इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर का नाम भी ऊपर डाला हुआ है, तो अच्छे से मेंटेन करके वो लगा दिया मैंने। आप प्लीज कंटेंट में जाके देखिएगा, वो लग गया है, लग चुका है, लगेगा नहीं, लग चुका है वो आपके कंटेंट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है जी? कोई डाउट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। भाई जितने मेरे वीडियोस हैं वो सब पढ़ने जरूरी हैं, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपके एग्जाम से सवाल पक्का छूटेंगे। प्लस में किस क्वेश्चंस को लर्न करके जाना है, कॉन्सेप्ट तो सभी वीडियो से ही बनेगा, तो वो क्वेश्चंस जो कि मैंने मार्क आपके जो है जो क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं उसको करना है, और प्लस पिछले 3 साल के क्वेश्चन भी करने हैं, 3 साल का क्वेश्चन पेपर पूरा एनालाइज करना है, 3 साल का क्वेश्चन पेपर पूरा एनालाइज करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है? एक दो क्वेश्चन देख लूंगा, अगर वो होगा तो मैं मंडे को आपके साथ में शेयर कर लूंगा, बाकी आपका सिलेबस यहाँ पर हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है जी? एक आधा कुछ रह गया तो मंडे को उसको ला करके करवा दूंगा। आपको पढ़ना कैसे वो सुन लीजिए, आपको जो है सबसे पहले सारी वीडियोस देखनी जरूरी है, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन जब तक तो समझ में आएगा तो आपने पिछला नहीं पढ़ा हुआ है। तो वीडियो को आप अपनी स्पीड बढ़ा करके 2x की स्पीड से फटाफट देख लो आप वीडियो को, पहली चीज। वीडियो को देखने के बाद आपके पास नॉलेज होगी, अब जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिखे हैं उन क्वेश्चन को वीडियोज में कंटेंट है, जो वीडियो है उसकी फाइल भी बनी हुई है, जो पढ़ा रहा हूं मैं ये आपके पीडीएफ फाइल भी मिलती है आपको, तो उस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ फाइल भी है जिस इस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां पीडीएफ फाइल जाकर के उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लो, 35-40 सवाल है इसको तैयार कर लो, 35-40 क्वेश्चन होंगे बस। इसके बाद आपको जो है लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन पर पढ़ने हैं, जिसमें से कि आपके इन 30-40 सवाल में से ही होंगे, पर फिर भी एक आधा सवाल आता कैसे है, पूछता कैसे है, कितने मार्क्स का रहता है, ऑप्शन क्या रहता है, ये सारी बात है, तो वो एक बार 3 साल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस कैसे रहेंगे, ठीक है? एक आधा कुछ अगर एक्स्ट्रा आपका रहता है करवाना तो मैं मंडे को करवा दूंगा, अगर मैं चेक करूंगा पहले कहीं कुछ छूट तो नहीं गया पिछले साल क्वेश्चन देख करके, तो
तो उसमें से एक क्वेश्चन करवा दूंगा, अदरवाइज मेरा कोर्स यहाँ पर आपके साथ में हो जाता है पूरी तरीके से वाइंड अप। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो करवाया था पेपर में आपका आया था, अब प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर भी टाइम से, मतलब कि आपका एग्जाम हुए ही नहीं थे कि मैंने आपका बैच शुरू कर दिया था ताकि मेरे पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, और हमने काफी आसानी से आपके कोर्स को कवर किया है। जो अभी स्क्रीन पर है फिर से रिपीट कर दो, देखिएगा क्या है। हमारे पास में मनी क्रिएशन का एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। तो मनी सप्लाई का फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, करेंसी प्लस डिपॉजिट, और हाई करेंसी जो पब्लिक के पास में, डिपॉजिट जो बैंकों के पास में है, और हाई पावर्ड मनी जिसको हम मॉनिटरी बेस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि सी प्लस रिक्वायर्ड करेंसी जो पब्लिक के पास में, रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस में एक्सेस रिजर्व या एक्स्ट्रा रिजर्व कहते हैं ये। अब मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डी से डिवाइड कर रहा हूं, कि किसी भी आप फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, फ्रैक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डिवाइड करा तो ये डिवाइड दोनों के नीचे चला जाएगा और ये डिवाइड तीनों के नीचे चला जाएगा। तो सी अपॉन डी को मैंने क्या बोला था आपका, कैश डिपॉजिट रेशियो, और डी अपॉन डी तो हमारा वन हो गया, सी अपॉन डी कैश डिपॉजिट रेशियो, आर आर अपॉन डी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिपॉजिट रेशियो, और हमारे पास में ई आर अपॉन ई क्या हो जाएगा, एक्सेस डिपॉजिट रेशियो बताया था। और ये बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला है, किसको एक्सप्लेन करा है, एमएस मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर मनी। तो आपके एग्जाम में कई बार आपसे सिंपल सा है कि आपके पास में ये तीन रेशो दे देगा, कैश डिपॉजिट रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और एक्सेस रिजर्व रेशो, तीन रेशो दे करके सीधा बोल देगा मनी सब आपको जो है मनी क्रिएशन बता दो। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर करके आप मनी क्रिएशन बता सकते हो। दूसरी बात कि आपको यहाँ पर ये तीन, एक दो तीन चार चीज दे करके, और इन इनमें से भी एक चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा आपसे, आपसे आपसे यहाँ पर बोल देगा कि कैश डिपॉजिट रेशियो ये रहा, रिक्वायर्ड डिपॉजिट रेशियो ये रहा, एक्सेस डिपॉजिट रेशियो ये रहा, मनी सप्लाई इतनी है तो हाई पावर मनी कितनी है, तो आप इसके इक्वल कर करके आप यहां से ये सब रेशियो दिया हुआ है, मनी सप्लाई दिया हुआ है, यहां से आप हाई पावर मनी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। समझे, क्लियर है? फिर से यार वही बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब तक अपलोड करोगे? अभी कहा तो मैंने लिखूं क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं कंटेंट में, आप प्लीज कंटेंट में जाइए और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है हो चुके हैं अपलोड, ठीक है? या एक एक बच्चे को फोन कर करके मैं बताऊं जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं। भी मिलते हैं अगली कक्षा में मंडे को, ऐसा नहीं कि मैं आऊंगा ही नहीं बीच में। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं पिछले 3 साल के क्वेश्चन उठा करके, ठीक है? अब बीच में कुछ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस निकाल निकाल करके मैं आ सकता हूं, बट मेरी तरफ से कोर्स पूरा हो गया, नीड होगी तो आऊंगा, ठीक है? हाँ, ये 3 साल 18, 19, 22 कुछ में कर लो। नेशनल इनकम के प्रैक्टिस, नेशनल इनकम के जो है मैं करवा चुका हूँ प्रैक्टिस, आप वीडियो में देखिएगा, शायद आपने नहीं देखा है। एक तो आप तो शुरू से जुड़े हुए हमारे साथ में, तो नेशनल इनकम के इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड के मैं न्यूमेरिकल्स भर भर के मैंने करवा दिए हैं, आप वीडियोस में देखिए। और वैसे भी आपके एग्जाम में नेशनल इनकम से जो है क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे तो क्या आएंगे उसको लिख लो, मैं खैर लिख ही दिया है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, दे दिया है आपको मैंने। नेशनल इनकम में से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, नेशनल इनकम में से ना आपके मेथड्स आएंगे कि इनकम मेथड एक्सप्लेन करो, एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करो, या वैल्यू एडिशन मेथड को एक्सप्लेन करो कि एनएनपी कैसे निकालेगा, जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन मांगेगा आपसे, ठीक है? आपसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मांगेगा, लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करेगा, जिस सभी सवालों को मैंने डिटेल में चर्चा की है स्टार्टिंग में। इसलिए तो मैं इतना लंबा कोर्स नेशनल इनकम को लेकर चला था कि पूरा पेपर वहां से भर करके आता है, और न्यूमेरिकल आपके पास में जो आता है वो न्यूमेरिकल बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है आपका, ओपन इकोनॉमी मॉडल में, ठीक है जी? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक, नेक्स्ट क्लास में अगर नीड हुई तो। क्लियर है? आप लोगों के साथ सफर बहुत अच्छा रहा, अब आप लोगों को अपने एग्जाम्स पर फोकस कीजिए, 6 सेमेस्टर है बिना किसी डिस्टरबेंस के, क्योंकि अगर आपका एक पेपर भी गया पूरा 1 साल जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर ही पेपर देने को आपको मिलेगा। गलती से भी कोई बैक ना हो आपके, गलती से भी वो एक फेल होने के बराबर है, अपने जीवन में आप आज तक तो फेल कभी हुए नहीं हो, एक आधा बार बीच में बैक भी लगी तो आपने वो निकाल दिया है, तो मतलब 1 साल खराब नहीं करा आपने अपना, बट 6 सेमेस्टर में अगर आपका गलती से भी कुछ हो गया तो 1 साल खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पास होने के लिए पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है, क्योंकि वो 50% मार्क्स देके चलते हैं आपको, आपने करा 10 नंबर का सवाल है 5 नंबर देके चलेंगे, ऐसे ऐसे मार्क्स मिलेंगे, मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको।
पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तब जाकर के आप 50% के आसपास वो मार्क्स मिलेगा, उसमें भी कोई टूट फूट हो गया तो अपने पासिंग मार्क्स पे आप आ जाओगे, अगर आपका दिन बहुत खराब हुआ चेकिंग अगर इस तरह से हुई, अदरवाइज पेपर ढंग से चेक हुआ तो आप फुल स्कोर की तरफ भी जाओगे। तो इसलिए आप अपने पूरा कोर्स ये नहीं दो तीन सवाल कर लें और बात बन जाए, एक साल नहीं तो खराब हो जाएगा। अपने एग्जाम्स को दीजिए, एग्जाम्स को देने के बाद मैं आपके लिए एक सेमिनार लेकर के आऊंगा, ऑनलाइन सेमिनार ही है, मे बी सेमिनार को मैं कल परसों कभी भी आपको जो है नोटिस डाल दूंगा, सेमिनार लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सभी पोस्टों के बारे में सीजीएल के जितने भी पोस्ट हैं मतलब प्रोफाइल जो है जॉब प्रोफाइल है इस पे बात करूंगा और किसकी सैलरी कितनी है मैं इसकी बात करूंगा, सैलरी और पोस्ट प्रोफाइल क्या है क्लियर है ना, इस चीज की मैं बात करूंगा, एक सेमिनार आपके पूरी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर मैं आपको दूंगा। नहीं बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं आए अभी तक, तो खैर नहीं आए हैं तो आप मेथड्स पे फोकस करें। ठीक है जी, तो आप मेथड पे फोकस करेंगे। तो कोर्स मैंने अपनी तरफ से यहां पर पूरा वाइंड अप कर दिया है, तो आप लोगों के साथ में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी सफर बहुत शानदार रहा, आप लोगों के साथ में मैक्रो का सफर भी बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। अब तक मेरा आपके ऊपर भरोसा तो है ही, आपका भी मेरे ऊपर भरोसा हो गया होगा और इस एग्जाम को देने का भरोसा और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आप में से जो भी बच्चे, मैं एक सेमिनार लूंगा, सेमिनार में जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जिसको लगेगा सरकारी नौकरी तैयारी करनी चाहिए, आप दिल्ली में ही रहते हैं तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ मेरे ऑफलाइन बैच में, ऐसा नहीं कि मेरे घर के आसपास से बच्चे यहाँ तैयारी करने आते हैं, नहीं बच्चे जो हैं गाजियाबाद से आ रहे हैं, बच्चे जो हैं नोएडा से प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, बच्चे ओखला से प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, बच्चे कंजावला से प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, बच्चे झंडियाले मंदिर छतरपुर से के वहां से प्रिपरेशन करने आ रहे हैं। तो बच्चा 20 20 25 25 30 किलोमीटर दूर से, इवन 50 50 बल्लभगढ़ से भी 50 50 किलोमीटर दूर, हरियाणा बल्लभगढ़ हो गया, डेली अप डाउन मार रहे हैं 2-2 घंटे का सफर, आपको क्योंकि मेट्रो है यार, अब तो मेट्रो है, बैठे और आगे आपने थोड़ी चल के आना है, मेट्रो आपको लेकर के आएगी। और जो मेरी क्लास है शकुरपुर में है और शकुरपुर से ठीक 500 मीटर डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है, क्लियर है, तो यहाँ पर उतर करके आप पैदल वॉकिंग आप अपने क्लासरूम तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चों को क्लासेस लेनी है तो अपना प्लान बना कर करके आप ऑफलाइन के लिए आप क्लासेस आ जाइए, तो अगर आप काउंसलिंग ऑफलाइन चाहते हैं कि सर हमें ऑफलाइन, तो अभी नहीं अभी पेपर दे दो, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपको चाहिए कि आप ग्रेजुएट बच्चे हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर आपका सीजीएल का एग्जाम आप दे सकते हो बहुत सारी पोस्ट के लिए, तो एक साल पूरा अच्छे से तैयारी कर लोगे आप साइड बाय साइड तो आप बहुत सारे एग्जाम्स निकाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, प्लस मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल करवाऊंगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप कोई जॉब करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे लेके चलिए कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो 1-2 घंटा आपका निकल जाए, जॉब ऐसी लेना है ऐसी करिए 2-2.5 घंटा निकल जाए, ताकि प्राइवेट जॉब आप 1-1.5 साल करेंगे तब तो आपकी तैयारी भी हो जाए, जब भी सरकारी लगे प्राइवेट छोड़ के सरकारी में शिफ्ट हो जाना, तो कुछ ऐसा प्लान कीजिएगा। अभी आप पे उम्र है, अभी आप पे मौका है, अभी आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी को 15-18 हज़ार रुपये में अपनी जिंदगी मत दे दीजिएगा। जिंदगी का मतलब आपका 60-70 साल नहीं है, जिंदगी का मतलब ये 2-3 साल है जिसमें आप अपने आप को क्या बनाते हो। अगर आपने 15-18 हज़ार के लालच में 1-1.5 साल 2 साल उसको दे दिया, उसका मतलब कि पूरी जिंदगी आपने सौंप दी, अब जीवन में ना पैसा रहा ना मनोरंजन रहा ना कुछ रहा, बस महीने के आखिरी में उधार का सिलसिला रहा। भाई इतना ये भाई इतना मत सोचो यार, 5 साल में जो ग्रेजुएशन क्लियर नहीं कर सकता है तो मेरा मानना है कि फिर वो क्या ही कर सकता है, तो फिर नहीं इतना मत इतना यार इतना नेगेटिव नहीं सोचते, 3 साल और 2 साल 3 साल में निकालो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।